दोस्तों, और फिर एक नए व्लॉग के साथ आज हम आजमान में हैं। अभी मैं आपको लेके जाऊंगा आजमान कॉर्निश पे। ये हम जा रहे हैं आजमान कॉर्निश की तरफ, और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त हफीज़ और पीछे बैठा हुआ है जवाद। आज आपको कॉर्निश की सैर कराते हैं, अजमान कॉर्निश। आज ड्राइविंग सीट पे है मिस्टर हफीज साहब, पायलट मिस्टर हफीज। जी दोस्तों, ये हम कॉर्निश पे आ गए हैं। पीछे आपको शायद नज़र आए ना आए, समंदर है लेकिन रात का टाइम है, शायद ना नज़र आ रहा है। मैं भी आपको बैक कैमरा ऑन करके वो दिखाता हूँ तो फिर आपको नज़र आएगा सही। ये पीछे मेरी बिल्डिंग्स हैं, रेजिडेंस प्लाजा है ये, लेकिन बहुत खूबसूरत बना हुआ है। तो ये वो बिल्डिंग है जो बता रहा था आपको मैं, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है ये, लेकिन रेजिडेंस पूरा रेजिडेंस है ये। ये पूरा कॉर्निश का एरिया है। दिन के वक्त अगर ये यहाँ होते हैं और समंदर सामने, बहुत प्यारा मंजर नज़र आता है। ये पूरा रेजिडेंस एरिया है यहाँ पे। ये यह है समंदर, लोग नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। रात के टाइम भी इसको हमने ओपन कर दिया हुआ है। स्पेशली मैंने आपको जो बिल्डिंग दिखाई थी वो वाकई बहुत खूबसूरत है। ये पीछे है मेरे रेजिडेंस एरिया, ये पूरी बिल्डिंग रेजिडेंस की है लेकिन बहुत प्यारी है। और अगर शाम के वक्त आप बाहर बैठे हो बालकनी में अपनी और सामने से आपको समंदर का व्यू नज़र आ रहा हो तो बहुत ही खूबसूरत है। बहुत प्यारा व्यू है ये सारा। जैसे आप देख रहे हैं ये समंदर का एरिया अंदर जाने के लिए यहाँ से, और ये पूरा कॉर्निश का, अगर आपने ऊपर बैठ के चाय शाय पीनी है तो आप यहाँ अपना एंजॉय कर सकते हैं। शाम को बहुत रश होता है यहाँ पे, अब तो टाइम काफ़ी हो गया इसलिए यहाँ पे आपको रश नज़र नहीं आ रहा।